दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि जापान में भी कोई महादेव का प्राचीन मंदिर है? असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जापान में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक महादेव की 80 फुट ऊंची प्रतिमा प्रकट हुई और पूरी जापान को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रजत शर्मा आईटी की पढ़ाई पूरी कर जॉब खोज रहा था। रजत के पिता सरकारी अध्यापक थे और घर में उसकी माँ और दो बहनें थीं, जो कि अच्छी सरकारी नौकरियों पर थीं। रजत ने बताया कि मेरे दादाजी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई थे। दादाजी कहा करते थे कि महादेव ने हमारे घर को सरकारी नौकरी का फल दिया है। उनकी पूजा भक्ति एक दिन जरूर रंग लाती है, लेकिन मैंने कभी यह बातें नहीं मानी। मैं सोचता था कि मेहनत से ही आदमी कामयाब बनता है। मेरा यह सोचना भी ठीक था, लेकिन भगवान का हमारी जिंदगी में इतना बड़ा योगदान है, यह बात मुझे बाद में समझ आई जब मैं जापान पहुंचा। सरकारी नौकरी तो मैं करना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं मेहनत करता गया और जापान की एक आईटी कंपनी में मुझे जॉब मिली। भारत की सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी थी और बिना कुछ सोचे मैं जापान के लिए तैयार हो गया। जाते समय मेरे पिताजी ने कहा कि जिंदगी ऊपर नीचे होती रहती है, जब कभी हर तरफ से हार जाओ, कोई मनुष्य आपका साथ ना दे, तो महादेव के आगे दिल से विनती करना, महादेव देर नहीं करेंगे। अपने पिता की यह बात सुनकर मैंने कहा कि जापान एक विकसित देश है जो हमारे दुख और तकलीफों को समझता है, और मुझे पैसे भी वहां पर दोगुने मिल रहे हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कभी महादेव की। मैंने फ्लाइट ली और जापान पहुंच गया। जापान पहुंचकर कंपनी की तरफ से ही रहने की जगह मिल गई। खाने पीने की दिक्कत कुछ दिन आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही होता रहा। टाइम से सैलरी मिलती और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। मेरी कंपनी में काम करने वाली एक जापानी लड़की से ही मैंने शादी कर ली, लेकिन मैं कभी भी भारत वापस नहीं गया। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी यही जापान में ही है, माता पिता को यहीं बुला लूंगा। पैसे भेजकर मैंने अपने दोनों बहनों की शादी भी कर दी, लेकिन उनकी शादी में शामिल नहीं हुआ। जब हमारे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, तो उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। सुबह ही मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया और कुछ ही घंटों के बाद मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई। मैं उस समय ऑफिस में था और जब मुझे हॉस्पिटल से फोन आया, तो ऑफिस वालों ने मुझे छुट्टी देने से बिल्कुल मना कर दिया। जब बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी, तो मैं वहीं पर नौकरी छोड़ हॉस्पिटल की तरफ भागा। हॉस्पिटल में जाकर पता चला कि बच्चे के साथ साथ मेरी पत्नी की हालत भी बहुत गंभीर है, और एक तरह से डॉक्टर मुझे जवाब ही दे रहा था कि शायद उन दोनों की जान नहीं बचेगी। अब मैं अकेला जापान में पागल हो रहा था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। कंपनी जो मुझे पैसे देती थी, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, न कोई दोस्त और न कोई रिश्तेदार। अब मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन उस समय वह सिर्फ कागज के टुकड़े थे जो मेरे बच्चे और पत्नी की जान नहीं बचा सकते थे। मैंने भारत अपने घर फोन किया, मेरे पिताजी ने फोन उठाया। मैंने सारी बात अपने पिता को बता दी। मेरे पिताजी ने कहा कि आज वही दिन है जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। तुम्हारा विकसित जापान तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। तुम्हारा एडवांस जापान आज तुम्हारी पत्नी और बच्चे को बचाने से पीछे हट रहा है। आज तुम्हारा पैसा भी किसी काम का नहीं, और ना ही हम तुम्हारा परिवार जापान आ सकते हैं, तो अब तुम क्या करोगे? अपने पिता की यह बातें सुनकर एकदम से मेरे मुंह से निकला कि मैं महादेव से मदद मांगूंगा। मेरे पिता ने कहा कि सोच क्या रहे हो, तो फिर मांगो महादेव से मदद। मुझे फोन करने से पहले तुम्हें महादेव के आगे विनती करनी चाहिए थी। तभी मैंने कहा कि पिताजी, यहाँ पर तो कोई मंदिर नहीं है और ना ही महादेव की कोई मूर्ति, तो मैं महादेव को किसमें देखूं? मेरे पिता ने कहा, महादेव तो सृष्टि के कण कण में है, दिल से देखकर उनके सामने विनती करो। मैं हॉस्पिटल से बाहर आया और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके विनती करने लगा कि हे महादेव, मेरे बच्चे और बीवी की रक्षा करो। आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मैं विनती तो कर रहा था, लेकिन मन में विश्वास नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरे मन में यही था कि महादेव सामने हैं या नहीं, मुझे सुन रहे हैं या फिर नहीं। तभी हॉस्पिटल स्टाफ आया और कहने लगा कि मेरे बच्चे और बीवी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है, मुझे उनके पास होना चाहिए। लेकिन मैं हॉस्पिटल के अंदर भागने के बजाय वहीं पर खड़ा मन से महादेव के आगे विनती करता जा रहा था। तभी अचानक से धरती हिली। पास खड़े लोगों को यह लगा कि शायद भूकंप आया होगा, लेकिन यह कोई भूकंप नहीं था। धरती के बीच में से महादेव प्रकट हुए। महादेव की करीब 80 फुट ऊंची प्रतिमा धरती के बीच में से ही प्रकट हुई, और वहीं पर जापानी लोग भी खड़े हैं।
जो सारा चमत्कार देख रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर दिल से महादेव के आगे विनती की और आवाज आई कि हॉस्पिटल के अंदर जाओ। यह कहकर वह प्रतिमा एकदम से गायब हो गई। मुझे विश्वास हो चुका था कि महादेव ने मेरी सुन ली और अब मेरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल के अंदर गया तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी बीवी और बच्चे दोनों खतरे से बाहर हैं। महादेव की कृपा देखो, सिर्फ 15 मिनट में ही सारी दुनिया बदल कर रख दी। मरते हुए दो जानों को अपनी कृपा से बचा लिया और आज जापान हमारे घर में मैं और मेरी पत्नी महादेव की हर रोज पूजा करते हैं। उसके बाद उसी कंपनी ने मुझे दोबारा अपने काम पर बुला लिया जिसने मुझे जॉब से निकाला था और यह सब कुछ भी महादेव की कृपा से ही हुआ। उस दिन महादेव मेरे मन के विश्वास को पक्का करने के लिए आए थे और यह सारा चमत्कार किया जो आपके साथ भी हो सकता है। जरूरत है हमें दिल से महादेव को याद करने की। दोस्तों, आज की यह सत्य घटना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव।